तो हेलो एंड नमस्कार, मैं निकेत दुबे आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लस पे। तो यहाँ पे मैं आपको आज जो है इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ साइंस। मैं आपको जो है साइंस पढ़ाने वाला हूँ। साइंस में जैसा कि आप लोग जानते हैं, तीन पार्ट होते हैं, फिजिक्स या जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री जिसको कहते हैं रसायन विज्ञान, और दूसरा बायोलॉजी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंस में तीन जो है शाखाएं होती हैं। इन तीनों शाखाओं में मैं जो है आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान को हम लोग बहुत ही एक ऑर्डर मैनर में पढ़ेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे अपने अगले जो है पार्ट पे चलेंगे। तो जीव विज्ञान आज मैं आपको शुरुआत करने वाला हूँ जीव विज्ञान की, इसकी हम लोग जो है आज शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी अगर हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसकी बात आती है कि हमको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि जो भी हम अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहली बात, आप भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CTET कर रहे हैं, UPTET कर रहे हैं, TET में भी जैसे आप जानते हैं प्राइमरी लेवल के होते हैं, जूनियर लेवल के होते हैं पेपर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना सिलेबस देखना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो है साइंस की रणनीति बनानी होती है। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि सभी एग्जाम, जितने भी चाहे वो वनडे हो चाहे और जितने भी एग्जाम हो, उसमें जो साइंस होता है, मतलब जिसमें तीनों पार्ट आपके होते हैं जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, इन तीनों का काफ़ी जो है वेटेज रहता है। काफ़ी जो है एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो है सिलेबस आपको देखना है। मैं जो है आपका पूरी तरह से सिलेबस देख के आया हूँ और हम लोग जो है आपका सिलेबस ओरिएंटेड ही पढ़ाएंगे। उससे ज़्यादा जो है या उससे कम मुझे नहीं लगता है कि आपको ये क्लासेस पढ़ने के बाद किसी और क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी बात कि आप लोग ज़रा सा भी इसमें चिंतित होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डुअल लैंग्वेज मतलब बाइलिंगुअल जो है आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जो भी टर्म आपको इंग्लिश में आते हैं मैं उनको इंग्लिश में लिखूंगा, और जो टर्म हिंदी में आते हैं मैं उनको हिंदी में लिखूंगा। दोनों भाषाओं में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। और आपको जो PDF और नोट्स मिलेंगी वो भी मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जो है दोनों भाषाओं में आपको जो है नोट्स विथ डायग्राम जितने भी अच्छे से हो सके एक्सप्लेनेशन के साथ वो आपको प्रोवाइड किए जाएँ। साथ ही साथ उसके बाद मैं कुछ जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको यहाँ भी लिखाऊंगा, जो कि हो सकता है आपके नोट्स में भी हो ना हो। तो जो भी मैं आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आपको नोट कराऊंगा, मेरी आपसे यही जो है गुजारिश है कि उसको अगर आप यदि एक नोट्स बनाते हैं तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो PDF नोट्स तो आपको मिलेगी ही, साथ साथ आपको अपने से कोशिश करना है कि जो मैं यहाँ पॉइंट वाइज आपको नोट्स बताऊंगा उसको भी आपको ज़रूर अपने नोट्स में, या फिर अगर आप जहाँ भी पेपर में जहाँ भी लिख रहे हैं जो भी, या तो अगर आपका PDF नोट्स मिल रहा है उसी पे, तो उन पॉइंट्स को आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग देखें बायोलॉजी, तो जीव विज्ञान में हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे इसकी, इसका हम एक ऑर्डरली मैनर में सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मतलब थोड़ा सा जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे कि जीव विज्ञान होता क्या है, किसने जो है जीव विज्ञान टर्म दिया, कौन जीव विज्ञान के जनक होते हैं, जीव विज्ञान की जो है
मेनली मुख्यतः कितनी जो है ब्रांचेज होती हैं, कितनी शाखाएं होती हैं, वो सब थोड़ा सा हम लोग आपका इंट्रोडक्शन में देखेंगे। दूसरा जो हम लोग देखेंगे उसके बाद पढ़ेंगे सेल, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका, और इसी में हम देखेंगे कोशिका विभाजन एंड सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ पे आपको दोनों भाषाओं में लिखूंगा, इसलिए आप लोग जरा भी चिंतित मत होइएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश वाला जो है मेरा वर्ड देख सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो मेरा आप जो है हिंदी वाला वीडियो अपना देख सकते हैं। तो कोशिका विभाजन, कोशिका और कोशिका विभाजन जब हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे अपना तीसरा लिविंग। जैसे कहते हैं ना कि आपका लिविंग के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो हम कैसे बताएंगे क्या लिविंग बींग्स की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक लिविंग बींग जो है फॉलो करता है, तो उसको हम लोग आपका इस तीसरे वाले टॉपिक में देखेंगे लिविंग। तीसरा टॉपिक लिविंग जो है पढ़ने के बाद हम लोग आपका जब हम लोग लिविंग तीसरा टॉपिक आपका पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद चौथा टॉपिक हमारा रहने वाला है, चौथा टॉपिक हमारा रहने वाला है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण आखिर हमें पढ़ने की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारी पृथ्वी पे कई तरह की जो है प्रजातियां पाई जाती हैं, कई तरह के जो है जीवधारी पाए जाते हैं, तो उन सभी को एक सुनियोजित तरीके से पढ़ने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स का है, मतलब जीवधारियों का क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी पृथ्वी पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, प्लांट हो, एनिमल हो, सिंगल सेल हो, मल्टी सेलुलर हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, तो उन सभी को पढ़ने के लिए उनको क्लासिफाई किया गया। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा वास्ट अमाउंट में जो है, इतने ज़्यादा अमाउंट में प्लांट और एनिमल और तरह के जैसे इंसेक्ट्स, कितने तरह के जो है जीवधारी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो उनको एक सुनियोजित तरीके से पढ़ने के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया गया। इसमें मेनली हम लोग देखेंगे जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो कि आर एच विटेकर में 1969 में, आर एच विटेकर ने 1969 में फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा उसके प्रीवियस मतलब उसके क्या शुरुआत में डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि कार्ल लिनियस थे, तो जिन्होंने क्लासिफिकेशन की शुरुआत की, जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम लोग अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो फाइव किंगडम जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग पाँचवा टॉपिक आएंगे फिर उसके बाद प्लांट्स के बारे में, पौधों या पादपों के बारे में तो पौधों और पादपों के बारे में हम लोग पूरा इसका, जैसे इसमें क्या है टिशू, पौधों में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, पौधों में श्वसन रेस्पिरेशन, पौधों में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद पौधों
पौधों में जो नाइट्रोजन साइकिल होती है उसके बारे में, ये सब हम आपका इसी टॉपिक में कवर करेंगे। साथ साथ इसी में एक और टॉपिक में भूल गया, प्लांट हार्मोन्स। जैसा कि आप लोग देखते होंगे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, जो जितने भी तरह के प्लांट हार्मोन होते हैं, पादप हार्मोन, उसको भी हम इसी चैप्टर में अपना जितना भी होगा इसी चैप्टर में देखेंगे। और इसी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में इसी के थोड़ा सा पहले हम थोड़ा सा जानेंगे वायरस के बारे में। वायरस के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने अभी आपका पेपर देखा था तो टीईटी का, तो उसमें वायरस से एक दो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आए थे, तो इसके पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में ही थोड़ा सा वायरसेस के बारे में देखेंगे और तब हम लोग अपना प्लांट्स पे मूव करेंगे। प्लांट्स में जैसे मैंने कहा प्लांट टिश्यू के बारे में, प्लांट मॉर्फोलॉजी जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, उसके क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, फिर तीसरी चीज़ उसमें कि प्लांट हार्मोन्स के बारे में, प्लांट में रेस्पिरेशन, प्लांट में फोटोसिंथेसिस मतलब श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ये जितने भी चीज़ें हैं हम उसके बाद अपना प्लांट में देखेंगे। प्लांट में जो ये सब सारी चीज़ें कवर करने के बाद फिर हम आएंगे छठी टॉपिक पे, अपने छठेवें टॉपिक पे, एनिमल्स के बारे में मतलब जंतुओं के बारे में। इसमें मेनली हमारा फोकस रहेगा ह्यूमन पे क्योंकि ज़्यादातर आप जैसे देखते हैं कि ज़्यादातर जो यहाँ से ह्यूमन पे क्वेश्चन बनते हैं वो जैसे क्या पोषण पे, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, ह्यूमन में रेस्पिरेशन हो गया, ह्यूमन में एक्सक्रीशन हो गया मतलब श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, फिर आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र हो गया, फिर चौथा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे जिसको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसके बारे में। तो इसमें मेनली हमारा फोकस रहेगा ह्यूमन पे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। कहाँ मेनली इसमें फोकस रहेगा? ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं न्यूट्रिशन, पोषण में विटामिन पे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे विटामिन ए का कॉमन नेम पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का साधारण नाम क्या होता है, आप लोग जानते हैं उसको रेटिनॉल कहते हैं, उसकी कमी से जो है क्या रोग होते हैं, तो रेटिनॉल की उसकी कमी से जैसे आप लोग जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जीरोप्थैल्मिया उसी को कहते हैं। उसके बाद जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, कितने तरह के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B12, B6, B9, वो जितने भी विटामिन होते हैं उनके कॉमन नेम क्या होते हैं, उनका आपका उनकी कमी से रोने होने वाले लोग जैसे विटामिन B1 जन से, जिसको विटामिन B1 को आप लोग जानते हैं थायमिन कहते हैं, उसकी कमी से क्या रोग होते हैं, आपका बेरी बेरी रोग होता है। जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन सी को आप लोग क्या कहते हैं, स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, उसकी कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी हो गया, जो कि आपका जानते हैं अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और उसके बाद वो विटामिन कौन सा फैट सॉल्युबल होते हैं, कौन सा आपका विटामिन जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो विटामिन जो होते हैं उसमें जैसे विटामिन सी का सोर्स क्या होता है, आप लोग जानते हैं जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, तो विटामिन सी के ये जो है सोर्स होते हैं। तो ये सब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूरा न्यूट्रिशन से लेके जितने भी आपके उत्सर्जन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र हो गया, मस्कुलर और एक्जोस्केलेटन हो गया मतलब सॉरी मस्कुलर और एक्जोस्केलेटन मतलब जितने भी आपकी अस्थियां और उसके बाद मसल्स पाई जाती हैं, उसके बाद फिर आपका एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड कितनी पाई जाती हैं, ये सब हम आपका एनिमल्स में मेनली इसी ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पार्ट में देखेंगे। जब हम इसको पढ़ लेंगे उसके बाद तो फिर एक आपका इसी में चैप्टर एक आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज। तो हेल्थ एंड डिजीज में जैसे कि वायरसेस से होने वाली क्या क्या डिजीज है, जैसे प्लांट में आपको पूछ दिया कि मान लीजिए कि जो वीट का आपका रस्ट डिजीज होता है वो किससे होता है, तो एक फंगस से होता है। तो प्लांट और एनिमल में जैसे वायरसेस से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले और फंगस से होने वाले कौन कौन से डिजीज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बारे में पढ़ने के बाद हम एकदम अंतिम में आपका देखेंगे फिर मिसलिनियस में मिसलिनियस मतलब विविध,
विविध में हम आपका देखेंगे कि जो डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस है, जैसे आपका पूछ देता है कि जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो जितने भी डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस हैं और जितने भी डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस हैं उनके जनक, जैसे आपका अक्सर पूछ देता है कि वैक्सीनेशन के फादर किसे कहा जाता है, ठीक है, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, मतलब जीवों का वर्गीकरण उसका जनक किसे कहा जाता है, तो ये सब हम आपका इसमें देखेंगे। और थोड़ा सा जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं कि उन्होंने क्या खोज की है, ये सब हम आपका मिसलिनियस विविध में देखेंगे। तो ये पूरा आपका रहने वाला है बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान का पूरा सिलेबस, और हम लोग इसी ऑर्डर में अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। तो मैं आज आपको शुरू करने वाला हूँ सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। तो आइए देखते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, सीखेंगे थोड़ा सा नई चीजों को। ये हमारा आज का चैप्टर होने वाला है सेल हिंदी में। कोशिका, तो देखिए सबसे पहले सेल, हम लोग कोशिका चैप्टर, मैंने सबसे पहले चैप्टर इसी को क्यों उठाया, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब तक आप लोग कोशिका के बारे में नहीं जानेंगे कि ह्यूमन में, प्लांट में, मतलब किन जीवों में किस तरह की कोशिका पाई जाती हैं, कौन सिंगल सेल होते हैं, कौन मल्टी सेलुलर होते हैं, तब तक आप जो है थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे हिसाब से जो सेल या कोशिका चैप्टर होता है वो जीव विज्ञान का एक आप कह सकते हैं आधार होता है, तो इसीलिए हम लोग आज अपना सबसे पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं सेल। तो कोशिका होती क्या है, तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा अच्छा बायोलॉजी के बारे में, जैसे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मुझे बायोलॉजी के बारे में इंट्रोड्यूस कराना था, मैं भूल गया, थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में मुझे आपको इंट्रोड्यूस कराना है कि बायोलॉजी होती क्या है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखूंगा, उसके बाद हम लोग अपना अगला चैप्टर देखेंगे। तो बायोलॉजी क्या होती है, तो बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डन, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बींग, जीवधारियों को हम लोग इंग्लिश में क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स। तो जब भी हम जीवधारियों की बात करते हैं इसका मतलब होता है हम हर तरह के, पृथ्वी पर जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इंसेक्ट से लेके आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टी सेलुलर तक, उन सभी की हम लोग स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। तो ये आपका एक छोटा सा डिफिनेशन हो गया कि बायोलॉजी क्या होती है, जीव विज्ञान क्या होता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी टर्म दिया किसने था, ये जो टर्म है ये किसने दिया था, ये दो साइंटिस्ट थे, लैमार्क और ट्रिवेरिनस। लैमार्क और ट्रिवेरिनस। अब देखिए इनका नाम मैं हिंदी में इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हिंदी में भी इनका नाम यही होता है, बस आप बस ऐसे लिख दीजिएगा, तो जहां जरूरत होगी मैं वहां पे हिंदी जरूर लिखूंगा। तो ये दो साइंटिस्ट थे लैमार्क और ट्रिवेरिनस और लैमार्क, इन्होंने 1801 में
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ कि इन्होंने कौन सा टर्म दिया था, वैसे इतना आपको नहीं पूछेगा। तो 1801 में लैमार्क और ट्राइवेरनस ने जो है बायोलॉजी टर्म का जो है उपयोग या यूज पहली बार किया था। तो ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, बायोलॉजी दो टर्म से मिलकर बना होता है। बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लोगोज, लोगोज का मतलब होता है स्टडी या साइंस। तो ऐसा साइंस जिसमें हम लोग किसकी लाइफ की स्टडी करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो है टर्म किसने दिया था, लैमार्क और ट्रिवेरेनस ने। इसको सॉरी गलती से 1801 कह दिया मैंने, 1802 में, 1802 में इन दोनों साइंटिस्ट ने पहली बार इस टर्म का यूज किया था। उसके बाद जैसे आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में मेनली दो ब्रांचेज होती हैं। दो ब्रांचेज कौन कौन सी होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। कौन कौन सी, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक। इसके पहले एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि फादर ऑफ, फादर या जनक, जनक बायोलॉजी के, फादर ऑफ बायोलॉजी। ये किसको कहा जाता है, आपका एरिस्टोटल, जिसको आप लोग कहते हैं अरस्तु, जिनको अरस्तु के नाम से जाना जाता है। ये आपके होते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। तो अरस्तु को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड है या दो ब्रांचेज है बायोलॉजी की, जूलॉजी जिसमें हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं जिसको जंतु विज्ञान कहा जाता है, और बॉटनी वनस्पति विज्ञान जिसमें हम लोग पौधों और वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो दो ब्रांचेज हैं इनकी, कौन कौन सी, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक। ये दो जो है इसकी ब्रांचेज होती है। हिंदी में इसको कहते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरा वनस्पति विज्ञान। डिजिटल बोर्ड मैंने कभी यूज नहीं किया है, तो थोड़ी सी अगर मेरी राइटिंग आपको अगर खराब लगे तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। धीरे धीरे मेरा हाथ जब सेट हो जाएगा तो मुझे लगता है मैं थोड़ा और अच्छे से लिख पाऊंगा। तो ये दो ब्रांचेज हैं इनकी, जूलॉजी और बॉटनी बायोलॉजी की, जिसमें जंतु विज्ञान में जैसा कि मैंने बताया कि हम जंतुओं के बारे में, मतलब एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। किनके बारे में, मेनली एनिमल्स के बारे में। और इसमें हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में, मतलब पौधों के बारे में। तो ये दो ब्रांचेज मेनली बायोलॉजी की होती हैं। तो मैं यहाँ आपको ऐसा कुछ अलग नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हम लोग किस हिसाब से पढ़ने वाले हैं, सॉरी। तो वो हमारा पूरा एक ऑर्डर रहने वाला है बायोलॉजी को, सिलेबस को ख़त्म करने का या सीखने का। तो फिर मैंने ऐसे आपको बताया कि बॉटनी और जूलॉजी यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि एरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, साथ ही साथ इन्हीं को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, इन्हीं को फादर ऑफ जूलॉजी, ये भी इन्हीं को कहा जाता है। तो आपको एरिस्टोटल को ही याद रखना है, इन्हीं को फादर ऑफ बायोलॉजी और इन्हीं को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ऐसा इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि अरिस्टोटल ने इनकी एक बुक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसको हिंदी में इसी नाम से जानते हैं, इसका कोई हिंदी नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं हिस्टोरिया
एनिमेलियम। ये जो है इनकी एक बुक थी। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, इस बुक में हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग लगभग 500 से ज़्यादा जो है एनिमल्स की, 500 से ज़्यादा एनिमल्स की स्टडी की। इस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा नॉलेज के लिए कि इसका एक बेसिक हमारा क्या रहने वाला है। हो सकता है ये कभी पूछ दे इनकी बुक, और ये तो है, ये दोनों तो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये तो पूछ सकता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये भी इनकी चीज़ पूछ सकती है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये इनकी बुक थी, इन्होंने इसमें लगभग 500 से ज़्यादा एनिमल्स को क्या है स्टडी किया था, और उनको जो उन्होंने स्टडी किया था उन एनिमल्स का जो स्टडी जो उन्होंने कुछ अपना पाया, जो भी उन्होंने उसमें थ्योरी बनाई, तो उसको उन्होंने इसी किताब में, उनकी ये बुक थी, ये उनकी एक बुक का नाम था, उनकी एक किताब थी, एरिस्टोटल की एक बुक थी जिसका नाम था, ये इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो इसी बुक में उन्होंने पूरा जितने भी एनिमल, जितने लगभग 500 से ज़्यादा एनिमल्स को उन्होंने स्टडी की, इसी में उन्होंने उसको कंपाइल किया था। तो इसीलिए इनको जो है, मान लीजिए फादर ऑफ बायोलॉजी की जानते हैं, एरिस्टोटल कितने मतलब प्राचीन है, तो इसकी हिस्ट्री, इनकी तो हिस्ट्री मुझे नहीं मालूम लेकिन बहुत प्राचीन है। तो इसीलिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि बायोलॉजी या जूलॉजी या एनिमल्स के बारे में स्टडी करना शुरू किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो ये इनकी किताब है, अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से ये पूछ सकता है, क्योंकि जो भी चीज़ें मुझे लगेंगी इंपॉर्टेंट हैं मैं वही आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखाने वाला हूँ, और उससे ज़्यादा मैं नहीं लिखवाऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना हमारा मेन टारगेट रहने वाला है, ज्ञान लेना नहीं। ज्ञान बस एग्जाम ओरिएंटेड ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपटीशन जानते हैं आप लोग, हर क्षेत्र में कंपटीशन कितना है। तो अगर आप ज्ञान कंपटीशन तक सीमित रखेंगे तभी मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक। उसके बाद एक पॉइंट इसमें लिखिएगा कि फादर ऑफ बॉटनी, जैसा कि अभी मैंने बताया, मतलब जनक किसके, वनस्पति विज्ञान के। वनस्पति विज्ञान के जनक ये कौन है, तो ये है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, अब इनका नाम भी हिंदी में यही है तो मैं ये हिंदी नहीं लिखने वाला हूँ, ये आप लोग समझ लीजिएगा, थियोफ्रेस्टस। तो इन्होंने, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल अरस्तू को कहते हैं। तो जैसे कि उनकी एक बुक थी, उनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, तो इसी तरह से इनकी एक बुक थी, उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरियम। इनकी जो बुक थी उस बुक का क्या नाम था, हिस्टोरिया एनिमेलियम, सॉरी एनिमेलियम तो एरिस्टोटल का था, हिस्टोरिया प्लांटेरियम, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, हिस्टोरिया प्लांटेरियम, ठीक। तो जिस हिसाब से अरस्तू जी ने लगभग 500 से ज़्यादा एनिमल्स को स्टडी किया और उसको उन्होंने अपने एक बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम में जो है कंपाइल किया, संकलित किया, उसी तरह से थियोफ्रेस्टस जी ने हिस्टोरिया प्लांटेरियम में भी लगभग 500 से ज़्यादा जो है पौधों का जो है इन्होंने अध्ययन किया और उसको उन्होंने अपने इस किताब में संकलित किया, कंपाइल किया, और उसने उन्होंने इस किताब का नाम दिया हिस्टोरिया प्लांटेरियम। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, बायोलॉजी, हमने देखा कि बायोलॉजी होती क्या है, बायोलॉजी के जो है कितने दो ब्रांचेज हैं, जूलॉजी बॉटनी, जूलॉजी के जनक कौन होते हैं, एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जनक कौन होते हैं, एरिस्टोटल, उनकी बुक कौन सी थी, हिस्टोरिया एनिमेलियम। दूसरा हमने देखा फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, इनकी कौन सी बुक थी, हिस्टोरिया प्लांटेरियम, इन्होंने
इसी बुक में इन्होंने कई सारे जो है पादपों पौधों का अपना जो है अध्ययन किया और उसमें इन्होंने संकलित किया। और उसके बाद हमने थोड़ी सी एक डिफिनीशन देखी बायोलॉजी की, बायोलॉजी होती क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं, उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो इतना हमारा, मैंने जैसा कि बताया हम लोग इंट्रोडक्शन में इतना पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग, मैं आपको कोशिका पढ़ाने वाला था लेकिन मुझे थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताना था पहले, मैं भूल गया, कोई बात नहीं, चलिए फिर से करा दिया मैंने आपको। तो ये इतनी चीज़ें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट थी जो मुझे लगा आपको जो है बतानी चाहिए। अब इसकी अलग अलग शाखाएं, जैसे जो ब्रांचेज होती हैं विज्ञान की, वो खासकर जीव विज्ञान की जो अलग अलग शाखाएं होती है, वो जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको ये मिसलिनियस में बताऊंगा। मिसलिनियस मतलब जो हमारा अंतिम टॉपिक रहने वाला है उसमें कौन कौन से जो है वैज्ञानिक और उन डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो अलग अलग शाखाएं हैं उनके जनक, या कौन कौन से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उन शाखाओं से जिनका नाम है, जैसे कि आप लोग जानते हैं वैक्सीनेशन, मतलब जो वैक्सीन हम लोग लगाते हैं उनके जनक किसको कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के जनक, या आपका जो है उसके बाद टैक्सोनॉमी के जनक। तो ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट जो फादर हैं या जो भी बायोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट जो हैं, वैज्ञानिक जो हैं, वो हम लोग एकदम अपना लास्ट क्लास में करेंगे, जब हम लोग मुख्य मुख्य चीज़ें अपनी पढ़ लेंगे तब। तो फिर मैंने कहा कि मैं आपको क्या आज पढ़ाने वाला हूँ, सेल, कोशिका। ठीक, कोशिका। तो कोशिका का सबसे पहले एक छोटा सा जो है डिफिनीशन की कोशिका है, अगर मैं आपसे पूछूं या किसी से पूछूं, कोई आपसे पूछे कि कोशिका होती क्या है, एक्चुअली मैं इसका एक छोटा सा डिफिनीशन कि कोशिका होती क्या है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कोशिका क्या होती है, आपका एक आपका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है, जो कि एक अपना डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, दैट इज सराउंडेड बाई अ डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब विशिष्ट पारगम्य कला। तो इसका एक छोटा सा डिफिनेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है कि सेल, मैं हिंदी में भी लिखा दूंगा, इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड थोड़ा सा तार दिक्कत कर दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि कोशिका जो होती है वो किसी भी जीव की या जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, मैंने जैसा कि कहा आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं बाइलिंगुअल में यहाँ दोनों लैंग्वेज लिखूंगा, इंग्लिश भी लिखूंगा, हिंदी भी लिखूंगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो मेरी इंग्लिश वाली जो है लाइन को पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो मेरी हिंदी मीडियम वाली जो है लाइन को पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। थोड़ा सा राइटिंग में जो है दिक्कत है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया अभी मैंने डिजिटल वर्ड मतलब कभी यूज़ नहीं किया था, एक दो बार अभी हैंडल करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन जैसा मैंने बताया ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग इसमें भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो कोशिका क्या होती है, जीवधारियों की संरचनात्मक एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक
इकाई होती है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी जीवधारी है, कोई भी अगर लिविंग बींग है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो वो कम से कम जो है सेल उसमें एक जो है, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, कम से कम एक सेल उसमें पाई ही जाएगी। और बिना कोशिका के, बिना सेल के उसमें होने वाले जितने भी फंक्शंस होंगे वो नहीं होंगे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोशिका जो है जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। चाहे आप लोग किसी भी जीव की संरचना की बात करें या उन जीवधारियों में होने वाली किसी भी क्रिया की बात करें, मतलब किसी भी फंक्शन की बात करें, वो बिना कोशिका के पॉसिबल नहीं है, बिना कोशिका के संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, विच इज, इसके आगे एक लाइन और होता है कि विच इज सराउंडेड बाई अ डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, तब मैं आपका हिंदी में अगली वाली लाइन में लिखवा दूंगा, जिसको हम लोग आगे इसमें क्या कहते हैं, विच इज सराउंडेड बाई अ डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कोई भी कोशिका होती है तो उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन का मतलब एक झिल्ली जो है जरूर होती है। इसको भी मैं हिंदी में बताऊंगा, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन को कहते हैं विशिष्ट पारगम्य कला या विशिष्ट पारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं इसको, विशिष्ट परमिएबल का मतलब होता है पारगम्य, ठीक, और मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली या कला, झिल्ली या कला ये होती है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज सराउंडेड बाई अ डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कोई भी कोशिका होती है तो एक मेम्ब्रेन से जरूर क्या होती है, घिरी होती है। हिंदी में मैंने जैसा कि लिखाया था अभी कि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जो कि एक विशिष्ट पारगम्य झिल्ली या विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी होती है। यही एक सेल या यही एक कोशिका की जो है बेसिक डिफिनीशन होती है। यही एक कोशिका की क्या होती है, दो लाइन की एक बेसिक डिफिनीशन होती है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आप सेल या कोशिका से क्या समझते हैं, तो ये जरूरी है। सबसे बड़ी बात ये याद रखिएगा कि ये मेम्ब्रेन जरूरी है, मतलब कोई भी सेल है, कोई भी सेल है आपका, तो वो मेम्ब्रेन से जरूर घिरी होगी, मतलब उसके बाहरी और एक आवरण जरूर होगा, एक झिल्ली जरूर होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने बताया, चाहे कोई भी जीवधारी है, चाहे उसकी संरचना की बात हो, चाहे उसमें होने वाली फंक्शंस, उसमें क्रियाओं का बात हो, तो उसमें जो है सेल जो है जरूर अपना रोल, मतलब अपना इम्पॉर्टेंट रोल जो है निभाती है। इसीलिए बिना सेल के जो है लाइफ आपका पॉसिबल नहीं है। तो ये हम लोगों ने छोटा सा डिफिनेशन देखा सेल का, मैंने आपकी हिंदी भी लिखवा दी थी इसकी। तो ये आपका हो गया सेल के बारे में। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सेल की खोज किसने की, किसने सबसे पहले जो है एक कोशिका को देखा। तो इसमें पॉइंट आता है तो सेल की डिस्कवरी, डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक साहब थे, इन्होंने करीब करीब मेरे हिसाब से 1665 ईस्वी के आसपास, हाँ
1665 में इन्होंने इसकी खोज की। किसने खोज की? खोज, डिस्कवर मतलब खोज। तो रॉबर्ट हुक, इनको हिंदी में भी यही इनका नाम है, तो इसलिए हिंदी में कुछ लिखना नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, रॉबर्ट हुक ये थे। इन्होंने 1665 में सबसे पहली बार किसी कोशिका को देखा या उनकी जो है स्टडी की, तो इसलिए जो है कोशिका की डिस्कवरी का श्रेय, मतलब कोशिका को किसने सबसे पहले देखा, किसने सबसे पहले खोजा, तो उसकी डिस्कवरी, उसकी खोज का जो है श्रेय जाता है वो रॉबर्ट हुक साहब को जाता है। ये थोड़ा सा आपका साइंटिस्ट का नाम इम्पॉर्टेंट है। मैं वही साइंटिस्ट का नाम लिखवाऊंगा जो आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से पूछे जाएंगे या जिनकी पूछे जाने की उम्मीद नहीं है। मैं बेमतलब का आपको सारे साइंटिस्टों का नाम नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इतना तो पता होना चाहिए। तो अगर आप इसमें सन, मतलब मेरे हिसाब से नहीं भी याद करते चल जाएगा, लेकिन कभी कभार होता है कि किसी किसी एग्जाम में आपका आपका आ जाता है कि लिस्ट वन लिस्ट टू, मतलब मेल कराने के लिए आ जाता है कि मिलान कीजिए, तो उसमें कभी कभार जो ये पूछ देता है। तो अगर इसका ईयर भी याद रखें तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बार जो है जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो अपने आप याद होता जाएगा। तो सेल की डिस्कवरी का जो है श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। इन्होंने जो है इसकी सबसे पहली डिस्कवरी की थी, और इन्होंने इनकी एक बुक थी थोड़ी से मुझे लग रहा है इम्पॉर्टेंट है, इनका एक पुस्तक था, ठीक है, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, माइक्रोग्राफिया, ये इनकी बुक थी। तो इस बुक में इन्होंने सबसे पहली बार जो सेल की डिस्कवरी की थी, तो इसी बुक में इन्होंने इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया था। तो ये बुक कौन सी बुक है, कौन सी किताब है, इसका नाम है माइक्रोग्राफिया। यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे इसकी हिंदी है। तो इसी बुक में इन्होंने सबसे पहली बार आपका ये जो सेल कोशिका का डिस्कवरी है, इसी में इन्होंने सबसे पहली बार इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं, और प्यास लग गई है। ठीक, तो ये आपका हो गया सेल की डिस्कवरी के बारे में। अब आप लोग देखेंगे कि सेल की डिस्कवरी के बारे में फिर थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको लिखवाना चाहूंगा कि बिगेस्ट सेल ये कौन सी होती है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग, इसको कहते हैं शुतुरमुर्ग, एक पक्षी होता है, आप लोग देखे होंगे। शुतुरमुर्ग, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ठीक, ये सबसे बड़ा सेल होता है। शुतुरमुर्ग जैसे आप लोग देखे होंगे कि ये एक फ्लाइटलेस बर्ड होती है, मतलब ये एक तरह का पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, जो उड़ नहीं सकता ये। और सबसे बड़ी बात, इसकी एक बात और याद रखिएगा, ये सबसे फास्टेस्ट रनिंग बर्ड होता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग आपका क्या होता है? फास्टेस्ट रनिंग बर्ड होता है। आप लोग देखे होंगे डिस्कवरी वगैरह पे या कई सारे चैनलों पे, इतना बड़ा पक्षी होता है, बड़े बड़े उसके फेदर होते हैं और पतली सी उसकी लंबी सी नेक होती है, गर्दन होती है। तो ये क्या होती है? फ्लाइटलेस, मतलब ये उड़ नहीं सकती है। ऑस्ट्रिच क्या होती है? फ्लाइटलेस बर्ड होती है। साथ साथ इसका एक और याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि सब पूछा जाता है, ये फास्टेस्ट रनिंग बर्ड होती है, ये
फास्टेस्ट रनिंग बर्ड होती है, मतलब ये बहुत तेज दौड़ती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर पक्षी क्या होते हैं, उड़ते हैं, लेकिन आपका ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी हो गया, ये दोनों ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, जो क्या होते हैं या तो चलते हैं या तो दौड़ते हैं। तो ऑस्ट्रिच क्या होता है, आपका फास्टेस्ट रनिंग बर्ड होता है, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी होता है, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी होता है। और इसका जो अंडा होता है, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो पक्षी होते हैं वो ज़्यादातर अपने न्यू वंस को, मतलब जो उनके जो है अंडे वो प्रोड्यूस करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स न्यू वंस, मतलब यंग वंस, बच्चे जो है मतलब पैदा करते हैं। तो जैसे इनका जो एग होता है, इनका जो अंडा होता है, वो सबसे बिगेस्ट सेल होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभार एग्जाम में पूछता है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जो शुतुरमुर्ग होता है वो आपका फास्टेस्ट रनिंग बर्ड होता है। कभी कभार ये भी पूछ देता है क्वेश्चन में, एग्जाम देखे कि एग्जाम में क्वेश्चन देखे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, मतलब इसमें से वो कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। तो ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी हो गया, ये दोनों आपके पक्षी उड़ नहीं सकते। और इसमें भी एक बात और पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट रनिंग बर्ड, इसमें से कौन सा पक्षी है इनमें से कौन सा है जो सबसे तेज दौड़ने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी होता है। तो ये कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग होता है। ये अपना बात याद रखिएगा। तो बिगेस्ट सेल के बारे में मैंने बता दिया, इसी में आपको एक पूछता है स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल, मतलब सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका। तो ये याद रखना, एक ऑर्गेनिज्म होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, इसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। वो मेरे हिसाब से उसका, जैसे ये माइकोप्लाज्मा इसका जीनस होता भी, जब मैं आपको बाइनोमियल नॉमन क्लेचर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाइनोमियल थ्योरम तो आपका अलजेब्रा में हो जाता है, कभी कभार फ्लो में निकल जाता है। तो बाइनोमियल नॉमन क्लेचर जो कि लीनियस ने दिया था, कि बाइनोमियल नॉमन क्लेचर मतलब क्या होता है कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें दो नाम होते हैं, एक जीनस एक स्पीसीज। तो ये माइकोप्लाज्मा जीनस होता है, इसका स्पीसीज है गैलीसेप्टम। गैलीसेप्टिकम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका होती है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ये एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा एक तरह क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब जैसे बैक्टीरिया आपका हो गया, बैक्टीरिया एक तरह का क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, मतलब जीवाणु जो आपके बैक्टीरिया जीवाणु हो गए वो भी आपके एक तरह के क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा आपका स्मॉलेस्ट सेल होता है। अब आपका एक इसी में एक और चीज कभी कभार पूछ देता है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मतलब आपका सबसे लंबी, मनुष्यों में सबसे लंबी सेल, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कहाँ, मनुष्यों में, ह्यूमन बॉडी, मनुष्यों में। मनुष्य लिखिए, ठीक, मनुष्य में सबसे लंबी। ये कौन सी सेल होती है, नर्व सेल, नर्व सेल, या इसी को हम लोग कहते हैं
न्यूरॉन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन, न्यूरॉन को हिंदी में भी न्यूरॉन ही ऐसे लिखते हैं, तो इसकी हिंदी तो नहीं है मेरे हिसाब से न्यूरॉन। नर्व सेल को कभी कभार हिंदी में आपका ऐसे तंत्रिका कोशिका लिखा हुआ आ सकता है, तंत्रिका नर्व सेल को कभी कभार आपका हिंदी में ऐसे तंत्रिका कोशिका लिखा हुआ आ सकता है। तो ये आपकी ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, जो कि कभी कभार ये देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली कभी कभार 1 मीटर तक होती है। 1 मीटर आप समझ रहे हैं, लगभग लगभग 100 सेंटीमीटर तक। तो ये कभी कभार ये आपका देखा जाता है कि लगभग लगभग 1 मीटर तक तो होती है। मैं आपको नर्व सेल का एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपका एक नर्व सेल होता है, यही आपका क्या है, नर्व सेल। ये जब अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब अभी हम लोग तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोषण श्वसन तंत्र ह्यूमंस में, उसके बाद आपका तंत्रिका तंत्र हो गया, आपका उत्सर्जन तंत्र मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम मतलब अंतःस्रावी जो है तंत्र हो गए उसमें, तो ये आपका मेनली आपका नर्व सेल्स है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन, तो ये आप फिगर देख सकते हैं, ये ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है मेरे हिसाब से, इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो ये आपकी एक देख रहे हैं नर्व सेल का, ये आपका एक आपका ये नर्व सेल का डायग्राम है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये आपका एक नर्व सेल का ये आप देख सकते हैं, ये एक नर्व सेल होती है, ये लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की। तो ये आप इसका एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फिगर मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि मेरे हिसाब से विजुअल से मतलब फिगर देखने से जो है चीज़ें ज़्यादा जल्दी दिमाग में बैठती हैं, इसीलिए जैसे मैंने आपको नर्व सेल दिखाया या पढ़ाया कि नर्व सेल क्या होती हैं, लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे साथ साथ में इसका फिगर भी दिखा दिया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मेरे हिसाब से विजुअल्स फिगर देखने से जो है ज़्यादा दिन तक जो है दिमाग में चीज़ें बैठती हैं, इसलिए जो भी चीज़ें मुझे लगेंगी इंपॉर्टेंट कि इसका फिगर जरूर आपको दिखाना चाहिए, मैं उसका फिगर जरूर दिखाऊंगा साथ साथ में उसका। अभी इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसे नर्वस सिस्टम जब मैं तंत्रिका तंत्र पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये इसलिए मैंने केवल इसको यहाँ पर दिखाया कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये नर्व सेल होती है, नर्व सेल या इसी को हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन, न्यूरॉन को मैंने अभी बताया कि हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं, इसकी कोई हिंदी नहीं होती है जहां तक अभी तक मैंने देखा है। नर्व सेल को मैंने बताया, इसी को कभी कभार तंत्रिका कोशिका के नाम से, सॉरी, तंत्रिका कोशिका इस नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये आपका हो गया नर्व सेल, ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी में, ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि ये देख रहे हैं आप डेंड्राइट्स है, इसके अंदर देखिए साइटोप्लाज्म होता है, ये इसका न्यूक्लियस होगा। तो ये बस मैंने फिगर आपको इसलिए दिखाया कि ताकि ये चीज आपको याद रहे। तो ये क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बता दिया थोड़े से सेल्स के,
सेल कैसे होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे बिगेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग टू लिविंग वेरी करता है, कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है, इसके शेप जो है अलग अलग होते हैं। अब इसके बाद हम लोग आपका देखेंगे टाइप ऑफ सेल्स, क्या देखेंगे, टाइप ऑफ सेल, मेनली कितने तरह के जो है टाइप। ठीक, टाइप ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, संरचना के आधार पे जो है कोशिका को दो भागों में विभाजित किया जाता है, या जो कोशिका होती हैं वो दो तरह की होती हैं, किसके बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पे हिंदी लिख लीजिएगा, कोशिका के प्रकार। प्रकार सेल तो जानते हैं कोशिका, अभी मैंने लिख रखा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पे। तो संरचना के आधार पे कोशिका को, या कोशिका जो होती है वो दो तरह की होती है, कौन कौन सी, पहला है इसमें प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा है इसमें यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ये दो तरह की सेल होती है, इनका हिंदी में भी नाम यही है, हिंदी में भी इसका नाम ऐसे ही लिखा जाता है, प्रो कैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये दो सेल्स होती हैं, मतलब मैंने जैसा बताया कि संरचना के आधार पे जो सेल होती हैं, कोशिका होती हैं, वो दो तरह की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों सेल्स में, इन दोनों कोशिकाओं में बेसिकली जो है डिफरेंस क्या होता है, क्या इन दोनों में अंतर, इन दोनों में क्या होता है, हम लोग इन दोनों सेल में क्या दोनों अंतर होता है वो अपना आगे देखेंगे, आगे हम लोग इसको स्टडी करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्यों इनको संरचना के आधार पे क्यों, ठीक है, एक तरफ मैं लिख देता हूं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी तरफ मैं आपको लिख देता हूं यूकैरियोटिक सेल। ठीक, मैंने अभी हिंदी बताया कि हिंदी भी इसकी यही होती है, हिंदी भी इसका यही होता है, और इसको यूकैरियोटिक। ठीक, ये दोनों सेल्स होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पहला पॉइंट कि इसमें दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, कैरियन का मतलब होता है, ग्रीक भाषा है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब होता है कि प्रिमिटिव, लेस डेवलप्ड। कैरियन का मतलब मैंने क्या बताया, कैरियन का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस,
और ये प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या लेस डेवलप्ड। तो सबसे पहले जैसे इसके नाम से ही मैंने आपको बता दिया, और यहाँ यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब सत्य ओरिजिनल, और करियन, करियन का मतलब न्यूक्लियस, करियन का मतलब न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यही कि जो न्यूक्लियस होता है, अभी मैं बताऊंगा कि न्यूक्लियस क्या होता है सेल में। न्यूक्लियस हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रक, केंद्रक। यहाँ जो केंद्रक होता है वो अब न्यूक्लियस और साथ साथ उसी के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रक, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली भी इसको कह देते हैं, केंद्रक कला। ये दोनों इसमें एब्सेंट होती हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और करियन का मतलब न्यूक्लियस, तो मतलब लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो प्रो कैरियोटिक सेल्स में सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि यहाँ जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मतलब अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है, बस यही प्रेजेंट होता है। अभी मैं एक स्ट्रक्चर अभी आपको अभी सेल का दिखाऊंगा, एक अभी अभी मैं आपको डायग्राम, एक सेल कैसा दिखता है उसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, चलिए अच्छा देख ही लेते हैं। देखिए ये एक आपका सेल है, ये आपका एक सेल है, तो ये आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल सेंटर में 3D डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियस, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये बड़ा सा एकदम पार्ट न्यूक्लियस सेल का, यही होता है न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस, इसके जो ये चारों तरफ आप ये मेम्ब्रेन देख रहे हैं, यही इसका क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये मैं एक यूकैरियोटिक सेल का ये फिगर है, एक सेल स्ट्रक्चर है वो एक किसका है, एक यूकैरियोटिक सेल्स का। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब अभी बताऊंगा, यूकैरियोटिक सेल्स मतलब जैसे जितने भी प्लांट एनिमल, आपके हायर एनिमल्स होते हैं या हायर प्लांट्स होते हैं या हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जीवधारी होते हैं, उनमें जो है यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलने भी मैं बताऊंगा कौन कौन से आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, आपके माइको प्लाज्मा हो गए, अभी मैंने आपको बताया माइको प्लाज्मा क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मैंने क्या बताया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और उसके बाहर का जो आवरण होता है, न्यूक्लियस के बाहर का आवरण, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, इसको देख लीजिएगा। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये फिगर दिखा दिया कि ताकि आपको याद रहे। तो ये जो आप बड़ा सा पार्ट ये देख रहे हैं, ये कंप्लीट एक सेल स्ट्रक्चर है, ये पार्ट बड़ा सा पार्ट जो आपको फिगर में देख रहा है, ये देखिए ये वाला, ये देखिए ये जो जा रहा है, यही होता है न्यूक्लियस। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक, और यही यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे मेन आपका यही पॉइंट होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाए जाते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। ठीक, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। तो दूसरा पॉइंट अब हम लोग इसमें देखेंगे कि और क्या क्या इसमें चीजें जो है पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसमें दो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये इसमें एब्सेंट होती हैं। अब ये कहेंगे सर इतना बड़ा इंग्लिश लिख दिया, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स ये क्या होता है, ये आपको मैं अभी बताता हूं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है कि जो झिल्ली
झिल्ली बाध्य कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल को हम लोग हिंदी भी कहते हैं कोशिकांग, कोशिकांग, ठीक। सेल ऑर्गेनेल को क्या कहते हैं? कोशिकांग। और मेम्ब्रेन बाउंड मतलब झिल्ली, चलिए मैं इसको हिंदी में लिखा देता हूँ, हिंदी में भी, क्योंकि नहीं तो यही एक ही जगह लिखाने में सब खिचड़ी हो जाएगी। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, मतलब झिल्ली, झिल्ली बाध्य कोशिकांग कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली बाध्य कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, और यहां पे क्या होते हैं? यही झिल्ली बाध्य कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये झिल्ली बाध्य कोशिकांग ये क्या होते हैं? तो झिल्ली बाध्य कोशिकांग या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जैसा कि हम लोग आप जानते हैं क्या क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गॉल्जी बॉडी हो गई, ठीक है, लाइसोसोम्स हो गए, ये सब आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। मतलब इसमें क्या क्या, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का मतलब एग्जांपल जैसे क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, क्लोरोप्लास्ट आपका, क्लोरोप्लास्ट, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, और गॉल्जी बॉडी। अभी मैं बताऊंगा कि ये सब चीजें क्या होती हैं सेल्स में, ये सब कोशिकांग होते हैं, मतलब कोशिका के अंदर ये सब पाए जाते हैं, ये कोशिका के क्या होते हैं, अंग होते हैं, ठीक है, ये सब इसमें नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं, याद रखिएगा अनुपस्थित होते हैं। ये सब केवल कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। अब जैसे कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि इन बैक्टीरियल सेल हाउ मेनी माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट, आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि जीवाणुओं में कितने जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, तो कितनी पाई जाएंगी? जीरो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया इसमें अनुपस्थित होती हैं। तो आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मतलब झिल्ली बाध्य कोशिकांग इसमें अनुपस्थित होते हैं। हम झिल्ली बाध्य कोशिकांग क्या क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आपका गॉल्जी बॉडी हो गया, ये सब इसमें एब्सेंट होती हैं। तो मैंने अभी आपका जैसे क्वेश्चन उठाया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पूछ दे कि बैक्टीरियल सेल में जीवाणुओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो कितने नंबर में पाई जाती हैं, कितने जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? जीरो। ठीक, ये आपका हो गया जीरो। तो झिल्ली बाध्य कोशिकांग प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं, आपका दूसरा पॉइंट हो गया। समझ मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि अब झिल्ली बाध्य कोशिकांग क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आपका क्या होता है। एक दो पॉइंट इसमें और है और आपका आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल खत्म हो जाएगा। अब एक बात और याद रखिएगा, इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम, ठीक, और इसमें क्या होता है 80S टाइप का, अब ये कहेंगे सर ये क्या है राइबोसोम, भी मैं आपको पढ़ाऊंगा राइबोसोम क्या होता है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, मतलब ये क्या होता है मेनली प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो ये जो राइबोसोम होता है वो दो तरह का होता है, 70S और 80S। ये 70S 80S क्या होते हैं इसके डिटेल में मेरे हिसाब से ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा ये एक राइबोसोम जैसे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। 70S थोड़ा साइज में छोटा होता है, 80S थोड़ा साइज में बड़ा होता है। तो जो साइज में बड़ा होगा वो किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक सेल्स में, हम लोगों में पाया जाएगा। तो 80S जो है राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में और 70S राइबोसोम आपका किस में? प्रोकैरियोटिक सेल में। अब इसके स्ट्रक्चर पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो है
कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं पूछेगा। बस ये याद रखिएगा, जो राइबोसोम अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि राइबोसोम क्या होता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये देखिए एक स्ट्रक्चर है, तो ये देखिए ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आपका हो गया गॉल्जी अपरेटस, ठीक है। ये आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये सब जो होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, झिल्ली बाध्य कोशिकांग, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, झिल्ली बाध्य कोशिकांग, जो कि किसमें नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। किसमें नहीं पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसीलिए सेल स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया किसका है, एक यूकैरियोटिक सेल्स का होता है। किसका है, एक यूकैरियोटिक सेल्स का है, ठीक है। और मैंने फिर अंतिम पॉइंट आपको ये बताया कि 70S और 80S राइबोसोम, ठीक है। तो 70S राइबोसोम आपका किसमें जो है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है पाया जाएगा, और 80S आपका यूकैरियोटिक में, ठीक है। ये दोनों पॉइंट। अब इसके एग्जांपल जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से एग्जांपल हैं, जैसे बैक्टीरिया, आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक तरह का क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि बैक्टीरिया में कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, तो क्या आपका क्या आंसर होगा, जीरो है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया एक तरह क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाएंगे, झिल्ली बाध्य कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया आपका हो गया, उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु हो गया, जीवाणु आपका हो गया, ठीक। उसके बाद ये क्या हो गया आपका, नील हरित शैवाल, आप लोग सुने होंगे, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, नील हरित शैवाल, ठीक, नील हरित शैवाल। ये क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया माइकोप्लाज्मा, वो भी एक तरह का क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, एक्सेट्रा। ये तीनों क्या होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल होते हैं। उसके बाद जितने भी ऑलमोस्ट आपके एल्गी, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, वो सब आपके क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। तो मेनली आप यही याद रखिएगा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, और कुछ अगर मुझे एग्जाम्पल याद आएंगे तो मैं बताऊँगा। मेरे हिसाब से ये तीन एग्जाम्पल ही आपके लिए एनफ हैं, पर्याप्त हैं। तो मैंने पूछा कि बैक्टीरिया में कितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जीरो। क्यों, बैक्टीरिया क्या है, एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा, मतलब झिल्ली बाध जो है कोशिकांग नहीं होगा। तो ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स। तो आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं, आगे फिर हम लोग अपना इसके बाद देखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट कोशिकांग, जैसे कोशिका के अंग, या जो कोशिका के सेल के जो है पार्ट, कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, जितने भी तरह के आपका, जैसे मैंने अभी आपको एक फिगर दिखाया, ये आप देख रहे हैं एक फिगर, तो ये जितने भी इसके आपके एक एक पार्ट हैं, मतलब जो जितने भी सेल के एक एक पार्ट हैं, वो सब अब हम आगे की क्लास में डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं जो है, धन्यवाद।